यही चीज मिल रहा है स्टेशन में, जो इस तरफ पे अपना वही ट्रेन है जो ट्रेन से हम लोग आ रहे थे हाटे बाजार एक्सप्रेस, और इस तरफ पे ये जो ट्रेन है उत्तर बंग एक्सप्रेस पुष्पा मूवी में उठ जाता है वैसे ये भी। सब एवरीवन कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग हाटे बाजार ट्रेन है सामसी स्टेशन से सियालदा के लिए। अभी टाइम कितना हो रहा पता है? 4:04 हो गया। तो ट्रेन का टाइमिंग है ना वो 8:40 पे है, ट्रेन ढुका नहीं है। हम लोग घर से ही निकले 8:40 में, और स्टेशन ढुकते ढुकते एप्लीकेशन में ऐसा दिखाया जो ऑलरेडी सामसी से ट्रेन निकल गया है और मालदा ढुक रहा है। बहुत परेशान थे हम लोग, आके स्टेशन में पूछा कोई ट्रेन चले गया, बोला हाँ ट्रेन चले गया, ट्रेन ढुक रहा है, तो जल्दी से कम्प्लीट कर लेते थे। S5 हम लोग बॉगी नंबर है, बॉगी सीट नंबर है 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 16, 15 नहीं है, लोग है 13 जन आज, बट सीट है 10, 3 जन बिना टिकट का जा रहे हैं, तो आप लोगों को वो भी इंटरेस्टिंग लगेगा जो बिना टिकट का कैसे ट्रेवल करेंगे आज। तो वीडियो में जुड़े रहो, अंत तक देखना वीडियो का, तभी समझ में आएगा क्या क्या होता है। ट्रेन ढुक रहा है 9:13 में, ये ट्रेन ढुक रहा है, गया है हाटे बाजार एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 2237378। फर्स्ट बॉगी अब शायद स्टार्ट होगा। S8, S7, यही है बॉगी S5। चलो यहीं पर ही हम लोग, एक बिचारी रो रही है, इन लोगों का घर में आया था शादी में, गुड ऑफ है, फिर से आएंगे, ये भी आएंगे सब कलकत्ता, तो अभी चले जा रहे हैं, फिर से मुलाकात होगा। अभी टाइम हो गया है 9:35, और हम लोग को सियालदा जो ट्रेन ढूंढने वाला टाइम था ना वो टाइम था 5 बजे सुबह, बट आई थिंक यहाँ पे इतना लेट हो गया क्योंकि 8:40 में यहाँ ट्रेन ढूंढने वाला था, यहाँ 9:35 हो गया, 1 घंटा डिले, तो सियालदा में नहीं ढुकेगा 5:30 बजे। सियालदा में कितना बजे ढुकेगा? आई थिंक 6:30 बजे ऐसा ही। मैं आने का टाइम में हाई डेंसिक लिया था, आने का टाइम में भी हाई डेंसिक ले रहे, थोड़ा सपोर्टर है पेट का। मालदा टाउन में ट्रेन ढुका है 10:20 में, ट्रेन का ढुकने का टाइम था 10:40 में, ऑलरेडी 22-25 मिनट्स पहले ढुका है ट्रेन, वहां से 1 आवर लेट छोड़ा है ट्रेन, और यहां पर ही 20-25 मिनट्स पहले पहुंचा दिया ट्रेन। मतलब तुम ही लोग बताओ कैसा ये पॉसिबल हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता। लेट ढुकना चाहिए था यहां पर भी, बट यहां पे पहले ढुक गया है, आधा घंटा का टाइम है यहां से ट्रेन छोड़ने का मालदा टाउन से। तो मैं देख लो मालदा टाउन में ही हूँ, शादी में भी हम लोग यहीं पे आए थे मालदा टाउन में, मतलब सामसी से आए थे मालदा टाउन में, तो वो भी वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आता होगा, आई बटन में क्लिक करके वो भी वीडियो आप लोग देख सकते हो। यही चीज मिल रहा है स्टेशन में, यहाँ इडली है, यहाँ क्रीम रोल है, वहाँ पैटीज है, यहाँ बर्गर है, यहाँ पर ही चावल और कुछ सब्जी है, तो यही सब चीज मिल रहा है। बस चलते ही चलते मैं एक चीज नोटिस किया, जो इस तरफ पे अपना वही ट्रेन है जो ट्रेन से हम लोग आ रहे थे हाटे बाजार एक्सप्रेस, और इस तरफ पे ये जो ट्रेन है उत्तर बंग एक्सप्रेस। अब उत्तर बंग एक्सप्रेस मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहने मांग रहा हूँ आप लोगों को, समझदार बंदे समझ गए होंगे मैं क्या कहने मांग रहा हूँ। चलो बता ही देते हैं, उत्तर बंग एक्सप्रेस का मतलब ये है न्यू जलपाईगुड़ी गैंगटॉक, गैंगटॉक जाने वाले हम लोग बहुत जल्द। क्या आज कितना तारीख है? 12 बजने वाला है, तो 20 तारीख हो गया है, 27th को हम लोग ट्रेन है सियालदा स्टेशन से NGP के लिए उत्तर बंग एक्सप्रेस, वही ट्रेन में हम लोग जाएंगे, जो पीछे में गैंगटॉक वाला सीरीज भी आप लोग को देंगे तो वो भी आप लोग देखना है, उसके लिए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मालदा टाउन स्टेशन से ये चपाती है और ये तरकारी लिया गया, ये चपाती इतना पतला देखो मेरा हाथ दिखाई मिलता होगा पीछे से, इतना ट्रांसपेरेंट इतना पतला, और ये तरकारी ना खाया मैंने अभी टेस्ट किया, एकदम जला जला एकदम सा। बाय बाय मालदा टाउन के पीपल्स, काफ़ी सारा सब्सक्राइबर मिले मुझे यहाँ से, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, तो चलो फिर मुलाकात होगा मालदा वाले लोग से, तो गुड बाय, तो टाटा मालदा वाले लोग सबको ही को टाटा। तो ये देखो ये जा रहा है ट्रेन और ये जा रहा है लॉरी, ये फरक्का ब्रिज, जैसे कि मैंने आने वाला वीडियो में दिखाया था जो पानी अटक जाता है, जितना चंदन का लकड़ी है वो सब अटक जाता है, ऐसे यहाँ पर भी है सेम टू सेम एग्जैक्टली। हमारा 11:28 और ट्रेन न्यू फरक्का जंक्शन से अभी छोड़ दिया, अभी देखो टाइम 11:52 हो गया, कल निम्तम स्टेशन में ट्रेन ढुका है, स्टेशन में एक लाइट नहीं जल रहा, पूरा अंधेरा है और एक आदमी भी नहीं है स्टेशन में, तो नेक्स्ट स्टेशन कौन सा देखते हैं। और मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, कौन सा स्टेशन पे आँख खुलेगा फिर आप लोगों को वो दिखाऊंगा, नींद आ गया थोड़ा जाके सो जाते हैं, मिलते हैं आपसे कौन सा स्टेशन आएगा उस स्टेशन पे। तो ये देखो अभी TT आ गया, एक जन तो जाके बाथरूम में ढुक गया, एक जन बेटा उसको बोल रहे हम सोने के लिए, उसको भी देखेगा, उसको आके फिर पूछेगा जो अपना टिकट बता, उसी का टिकट नहीं हुआ है। देखो अभी सब कोई का टिकट चेक कर रहा है, टीटी अभी सब कोई उठा उठा के वो पूछ रहे हैं टिकट के बारे में।
अभी 12:20 हो रहा है, ट्रेन पहुंच है जांगीपुर रोड पे, जो कि ट्रेन का टाइमिंग था 12:13 पे, और 12:20 में पहुंचा है। 3 मिनट डिले है, अभी यहाँ पर ही 2 मिनट का होल्ड है। इसके बाद फिर आएगा आजिमगंज, उसके बाद फिर एक एक करके दिखाते रहेंगे आप लोगों को। बाद बाकी टीटी का जो सीन था वो चाप नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो आया देखा सब सो के चले गया चुपचाप, 2-3 बार आके राउंड मारा है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होता है। भाई साहब ये मेरा आँख खुला था और टाइम हो रहा है 3:01। वे हैं अभी नवद्वीप धाम स्टेशन पे, 3 बज रहा है अभी। नवद्वीप पे वीडियो बनाया था तो दो स्टेशन में जमकर सोया, बैंडेला नई हाटी। अभी सियालदह स्टेशन ट्रेन ढुक चुका है, 10 मिनट लेट ढुका है। अभी चलो स्टेशन उतरते हैं, ठंडा भी लग रहा है। सियालदह स्टेशन में उतरते ही देखो अभी वही लेवल का क्राउड है। सियालदह स्टेशन में इतना सुबह सुबह मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने भी कभी इतना सुबह सुबह सियालदह स्टेशन आया नहीं, कभी काम पड़ा ही नहीं इतना सुबह आने का मुझे सियालदह स्टेशन में। तो क्राउड अच्छा खासा मैं देख पा रहा हूँ सियालदह स्टेशन पे। अभी बरेकपुर लोकल लगा हुआ है जो की एकदम हम लोग के लिए बेस्ट ट्रेन होता है, 18 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 6:02 में छोड़ देगा। अरे छोड़ दिया है शायद, फिर हर ट्रेन ट्रेन लगा हुआ है, ट्रेन का टाइमिंग हो गया, दौड़ना पड़ रहा है। ट्रॉली लेके कौन ऐसा दौड़ता है, मैं कैसा दौड़ रहा हूँ ट्रॉली लेके, सुबह इतने भी ट्रॉली लेके दौड़ना पड़ रहा है। चलो यही बॉगी में उठ जाते हैं। चलो ये बरेपुर लोकल भी छोड़ दिया है, पक्का 6:03 में छोड़ा है। दौड़ रहे थे तो देख लिया उन्होंने, तो ट्रेन नाश्ते कर मतलब छोड़ा नहीं उन्होंने। छोटा सा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना। और ये वीडियो मेरा ज़्यादातर नैप लेते हुए निकल गया, मैं सोते सोते निकाल लिया ये वीडियो ज़्यादातर। इन पूरा नहीं हो रहा है ना तो देख सकते हो आँख वाँख का हालत कैसा हो जा रहा है, डार्क सर्कल आ जा रहा है। तो सोचा सो जाए, नींद आ रहा था वैसे भी, तो जो भी हो जैसा हो वीडियो का लंबा नहीं करते हैं। मुझे भी लेना है अपना मैक्स को, जहाँ पे मैंने दिया था मैक्स, आई मीन मेरा डॉग जर्मन शेपर्ड। वीडियो और लंबा नहीं करते, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।